इस वर्ष 1 मार्च को इटौजा थाने से ITC का सामान धारण किए हुए एक ट्रक से लूट की गई थी और काफ़ी प्रयासों के बाद भी उसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई थी। इसके बाद परिक्षेत्रीय सर्वेलांस सेल को इस केस पर लगाया गया था और उनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम के PTS उठा के और टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ एविडेंस इकट्ठा किए गए, जिसके आधार पर एक अंतर्राज्यीय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल तक ट्रक लूट करने वाला एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है, जिसके एक 50,000 के इनामी को कल सीतापुर में एक पुलिस मुठभेड़ में मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उसकी निशानदेही पर एक किया सेल्टोस गाड़ी, जो घटनाक्रम में यूज़ की गई थी, प्रयोग की गई थी, उस गाड़ी को रिकवरी की गई है। उसकी निशानदेही पर ट्रक लुटेरों के साथ चलने वाले एक ट्रक और उसके चालक को भी पकड़ा गया है। घटनाक्रम में शामिल पूरे गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में स्टेशन ये गैंग है और इसको आगे डेवलप किया जा रहा है। आपके निर्देशन में बड़ी कार्रवाई है पुलिस की और आगे भी क्या इस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई जारी है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है और इसके सभी गैंग मेंबर्स को पकड़कर हम इन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही सीतापुर में और बाराबंकी और इटौजा के बॉर्डर पर कार्य करने वाले अन्य लुटेरों के गैंगों पर भी काम कर रहा है। जल्दी उसमें भी कोई उल्लेखनीय सफलता सामने आएगी। कैसे करते थे? जो इनके मॉडस ऑपरेंडाई अभी तक समझ में आई है, ये एक प्राइवेट गाड़ी से चलते हैं, जो इस गैंग में किया सेल्टोस एकदम नई उन्होंने गाड़ी खरीदी थी। घटना के समय में ये नया मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल सिम खरीदते हैं, उसको घटना में प्रयोग करते हैं, घटना के उपरांत उसको फेंक देते हैं। इस घटनाक्रम में इन्होंने सारे पाँचों जो मोबाइल लगे थे, इसको कौशाम्बी के पास से एक ढाबे के पास की दुकान से खरीदा था, वो भी आइडेंटिफाइड होके और उसको भी जेल भेजा गया है। इसके बाद ये रास्ता देखकर ओवरटेक करके गाड़ी को ओवर पावर करके चढ़ते थे और उसका माल अपनी ट्रक पर लाद के और ड्राइवर खलासी को कहीं और, ट्रक को कहीं और छोड़कर आगे बढ़ जाते थे और विभिन्न राज्यों की मंडियों में जैसा माल इनको मिलता था उस हिसाब से उसको ब्लैक मंडियों में बेचते थे। जी हाँ, इस पूरे गैंग में 11 मेंबर्स पता चले हैं, जो ट्रक और किया सेल्टोस गाड़ी से चलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब तक कितनी वारदातें की हैं? जो इन्होंने बताया है, इसमें इन्होंने बंगाल की 5 लूटों को, बिहार के 1 लूट को, गोरखपुर के 1 लूट को, पुणे महाराष्ट्र में 1 लूट को और इटौजा की 1 लूट को स्वीकारा है। अभी इन पर और कार्य चल रहा है।